अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज आपका वेलकम किया है एक हमारी छोटी सी ब्लॉगर ने जो हमारे साथ यहाँ बैठी है और मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है। तो गाइस, आज का ये जो व्लॉग है ये है एक दावत का। अकीके की दावत में हम लोग इनवाइटेड थे, मैं और मेरी फैमिली। तो ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने वहाँ बनाए थे। सो जी, ये बच्चे यहाँ पे उनके गार्डन में खेल रहे थे। डिनर हम कर चुके थे। डिनर में एज़ यूजुअल अकीके की दावत थी तो सब कुछ मटन का था और मुझे मटन बिल्कुल नहीं पसंद। बदकिस्मती से मैंने बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया डिनर। और ये हानिया भतीजा अपने कज़न्स के खेल रहे हैं। लाइटनिंग का थोड़ा इशू था इसलिए सब कुछ डार्क मोड पे चला गया है, बट होप सो आप लोग इन्जॉय करेंगे। दावत से फारिग होने के बाद हम अपने घर चले गए थे और वहाँ पे हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। जी, यही वो सरप्राइज़ था। हमारे घर पर जोई और उसकी मम्मा कोको आई हुई थी और खतीजा ने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया क्योंकि खतीजा एक पेट लवर है और उसे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं। तो ये छोटी सी जोई है जो कि 3 महीने की है। और ये जो वाइट वाली टिटू है, खतीजा एंड हानिया इसे टिटू बोलते हैं, ये कोको है। ये थोड़ी अग्रेसिव है, कभी कभी बच्चों को मार भी देती है। बिल्लियों से खेलने के बाद खतीजा ने अपने कज़न के साथ बॉल से खेला कैच कैच। और उसके बाद मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने पहले भी शॉर्ट्स में शेयर कर दी थी, चीज़ी चिकन गार्लिक रोल। सो मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिया है कि मैंने इस मैदे में क्या क्या डाला था। 2 ही चीज़ें डली थी, बट इसका जो मेन पार्ट ये है कि आपको इसे नीम गर्म पानी से गूंदना है। गूंदते हुए आपका हाथ भी थोड़ा सा जलेगा क्योंकि पानी गर्म होगा, मगर बेस्ट वही है, तभी पूरियाँ आपकी सॉफ्ट बनेंगी। उसके बाद आपने इसे अपने हाथ ग्रीसी करके अपने हाथों की मदद से ही इसे गोल करना है और फिर फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आप ऑयल बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपकी पूरी बहुत अच्छी बनेगी। फिर उसके बाद ये चिकन के अंदर जो मैंने मसाले डाले हैं वो भी स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, वो डाल के आपने चिकन फ्राई कर लेनी है। देन सारी चीज़ें असेंबल करनी है, चिकन सॉस, अनियंस, चीज़ एंड रोल करके। उसके बाद अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें या फिर ओवन में रख दें या तवे पे गर्म कर लें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।